बरसात के पानी से पौधों की ग्रोथ तो डबल हो गई है, लेकिन ये क्या, फूल तो आ ही नहीं रहे हैं। बरसात के पानी में होता है नाइट्रोजन, जिसकी वजह से पौधे सिर्फ फॉलियस ग्रोथ करने लगते हैं, लेकिन फूलों वाले पौधे अगर फूल ना दें तो कैसे मज़ा आएगा। तो दोस्तों, क्या आपकी भी यही समस्या है कि आपके फूलों वाले पौधों पे सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां ग्रो हो रही हैं और फूल बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं? तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा ट्रिक जिसको फॉलो करने से आपके प्लांट पे एक हफ्ते के अंदर कलियां ही कलियां बनने लगेंगी। और इतना ही नहीं, इस ट्रिक के लिए आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना है, बिल्कुल फ्री की चीज़ है जिसे आप फेंक देते हो, उसे आपको डालना है पौधों में और अपनी बगिया को फूलों से भर लेना है। अक्सर होता यूँ है कि बरसात में, क्योंकि लगातार बारिशें होती हैं, हम पौधों पे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते और बरसात का पानी पौधों को लगातार मिल रहा होता है, जिसमें होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधे हरे भरे तो हो जाते हैं और पत्तियां ही पत्तियां ग्रो करने लगते हैं, लेकिन उनमें फूल नहीं बनते हैं, कलियाँ नहीं बनती है। तो इस चीज़ को हमें ब्रेक करना पड़ता है और हमें देना होता है कुछ ऐसी चीज़ पौधों को जिससे कि फ्लावरिंग इंक्रीज हो। आप देख रहे हैं कि मेरे इस अलामंडा के प्लांट पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी कलियां भी बनी हुई हैं। आज क्योंकि बरसात नहीं हुई है और पॉट में जो है मिट्टी ड्राई हो गई है, इसलिए फ्लावर जो है लटके लटके से दिख रहे हैं, अदरवाइज़ ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका सीक्रेट ये है, केले के छिलके। हालांकि मेरी वीडियो अगर आप रेगुलर वॉच करते हो तो मैंने कहीं ना कहीं किसी वीडियो में बताया था कि गर्मियों में केले के छिलके सुखा के रख लीजिए, बरसात में काम आएंगे। तो देखिए, अब आ रहे हैं ना ये काम, क्योंकि बरसात में हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते, तो इस तरह से केले के छिलकों को हमें पॉट के ऊपर रख देना होता है। और क्योंकि ये सूखे हुए होते हैं तो फंगस नहीं लगता, लेकिन अगर आप अभी भी ये सुखाना भूल गए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपको एक और ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप इन केले के छिलकों से अपने गार्डन में फूलों की बहार ला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मिट्टी की गुड़ाई करिए किसी भी पॉट में जिसमें आपको फूल चाहिए, और फिर आप उसमें मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद केले के छिलके के टुकड़े कर लीजिए। फ्रेश केले के जो छिलके हैं आप उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके गमले के किनारे किनारे रख दीजिए। ऐसा करने से जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी जब पॉट में गिरेगा और साथ में केले के छिलकों पे भी पड़ेगा, तो नाइट्रोजन के साथ साथ पौधे को पोटेशियम भी मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लावरिंग इंक्रीज होने में मदद मिलेगी। लेकिन इस ट्रिक में आपको सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना होगा कि गमले, ये जो केले के छिलके हैं ये गमले के रिम के साथ रखने हैं, सेंटर में जहाँ पे स्टेम है वहाँ पे नहीं रखने हैं, क्योंकि ये ताज़े छिलके हैं, इनमें फंगस लग सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से साइड साइड पे रखेंगे तो फंगस का ख़तरा नहीं आएगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीच बीच में आपको पॉट की गुड़ाई भी करनी होगी, ताकि अगर इसमें किसी भी तरह का फंगस दिख रहा है तो आपको उसे दूर कर लेना है। तो ये ट्रिक बहुत काम आती है और ऐसा मैं पहले कई बार कर चुकी हूँ। तो इस तरह से आप केले के छिलकों को, जो कि हम फेंक देते हैं, उनको आप यूज़ करके अपने फ्लावरिंग प्लांट पे फ्लावरिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे मधुमालती के प्लांट पे गर्मियों में तो अच्छी फ्लावरिंग आ रही थी इस बार, लेकिन अब इसमें सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ ग्रो हो रही हैं। तो मैं इस प्लांट पे गुड़ाई करके और केले के यही छिलके जो मैंने अभी आपको दिखाए उनको रख दूँगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बड़ा सा पॉट है तो उसके किनारे पे एक जगह पे गड्ढा करके और इन छिलकों को डाल के और ऊपर से मिट्टी रख दे, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गुड़ाई पहले कर ली है और इस तरह से मैंने एक जगह पे केले के छिलके रख के उसे मिट्टी से ढक दिया है। तो ये काम करना है, लेकिन सिर्फ जड़ों से थोड़ा सा दूर, यानी मेन जो स्टेम है उससे थोड़ा दूर करना है। ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, परमानेंट प्लांट्स जो भी होते हैं, तो इनको इतनी जल्दी फंगस लगने का खतरा नहीं आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके प्लांट्स पे फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आज ही आप केले के छिलके कलेक्ट करना स्टार्ट कर लीजिए, केले ले खाइए और प्लांट्स को भी खिलाइए और बहुत सारे फ्लावरिंग भी पाइए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।